पीएम नरेंद्र मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा, चुनाव प्रचार को लेकर दमोह, गुना और मुरैना में जनसभा को करेंगे संबोधित। साथी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी चार जिलों की विधानसभाओं में करेंगी चुनाव प्रचार। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा मंदिर तक पहली बार जाएंगे वाहन। बीआरओ ने 13 किलोमीटर लंबी और 14 फीट चौड़ी सड़क का किया निर्माण। डोमल से बालटाल होते हुए तय करेंगी अमरनाथ गुफा का सफर। डायल 112 सेवा में महिला संविदा कर्मियों के वेतन वृद्धि को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद सरकार हुई सख्त, एडीजी अशोक कुमार सिंह का हुआ तबादला। अब पेंशन के लिए पेंशनरों को नहीं लगाने पड़ेंगे बैंकों के चक्कर, डिजिटल जीवन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से घर बैठे मिलेगी पेंशन। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार के 2018 की भर्ती पर रोक वाले आदेश को किया रद्द। जल्द ही 6,470 सहायक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। हाईकोर्ट ने 3 महीने में प्रक्रिया को पूरी करने की दी अवधि। दिल्ली एनसीआर समेत राजधानी लखनऊ में भी तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण का खतरा। गोमती नगर समेत कई इलाकों में AQI 200 पार। नोएडा में 1 से 9 तक स्कूल बंद करवाने का डीएम ने दिया आदेश, बोले ऑनलाइन कराई जाए क्लास। यूपी एटीएस टीम का बड़ा खुलासा, अलीगढ़ से गिरफ्तार हुए 2 आतंकियों के दौरान हुई छानबीन में प्रदेश के 5 और शहरों के मिले नाम। लखनऊ, प्रयागराज, संभल, रामपुर समेत कौशाम्बी में भी फैला है ISIS का नेटवर्क। गोमती नगर में बन रहे यूपी दर्शन पार्क में लोग उठा पाएंगे वोटिंग का लुत्फ। साथ ही आर्टिफिशियल जंगल का नजारा देखने के साथ साथ सैलानी चख सकेंगे लजीज व्यंजनों का स्वाद। बागे बिहारी मंदिर को लेकर आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। सेवायतों की मंदिर शिफ्ट करने की मांग पर यूपी सरकार ने जताई आपत्ति, बोली किसी भी हालत में मंदिर को नहीं किया जा सकता शिफ्ट, ये मंदिर नहीं है प्राइवेट। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग के लिए लागू की गई नई नियमावली। यूपी में अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का 3 साल की सेवा के बाद ही हो सकेगा तबादला।